हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है तो तीस और एक दिसंबर के जितने भी डेली करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है दैट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ठीक है इस वीडियो में हम, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल ठीक है और द वीडियो विल वी वेरी मच इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टें दो गाइड हुआ प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स ठीक है कम्पिटीटिव एग्जाम्स लाइक एस एस सी यू इन सब की जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है ठीक है सो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को क्या कीजिएगा लास्ट तक देखिएगा ठीक है लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने से आपको एक फायदा मिलेगा कि आपको क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे और आप अटेम्प जरूर कीजिएगा ओके सो so, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि uh, मुझे आप सबकी सपोर्ट और मोटिवेशन की बहुत जरूरत है ठीक है तो प्लीज़ uh, मुझे सपोर्ट कीजिए मोटिवेट कीजिए बाय लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस टू ऑल ऑफ अदर्स ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट इज द न्यू कैटेगरी ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल एज पर यू एन जी एसेंटली रेजोल्यूशन निकली थी उसमें बांग्लादेश और नेपाल को कौन सा नया कैटेगरी मिला है ठीक है ऑप्शन बी इज डेवलपिंग कंट्री एंड सी इज पुअर कंट्री एंड डी इज मिडल इनकम कंट्री ओके दिस फोर ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दो आर वॉचिंग माई वीडियो ठीक है ऑल ऑफ यू से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ठीक है कि जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ क्वेश्चन को अटैम्प जरूर कीजिएगा अपनी तरफ से ठीक है अपनी तरफ से अटैम्प जरूर कीजिएगा नहीं आया फिर भी गूगल करके आप आ, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा ओके आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज़ अभी जो न्यू यू एन जी ए की रिसेंटली uh, रिजोल्यूशन निकली है दैट इज हिस्टोरिक रिजोल्यूशन ठीक है उसके हिसाब से न्यू स्टेटस मिली है बांग्लादेश और नेपाल को दैट इज डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिला है ठीक है पहले क्या थी ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आती थी लेकिन उनको अभी चेंज करके न्यू कैटेगरी में रखा गया दैट इज डेवलपिंग कंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं हिस्टोरिक, 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 ठीक है जो अभी हुई थी ये क्या थी सेवेंटी सिक्स ऑफ सेशन थी डैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसमें इनको बता रखा गया है ठीक है सो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज डेवलपिंग कंट्री नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वॉट इज द वर्ड ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एज पर कॉल इन डिक्शनरी ठीक है कॉल इन डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी क्या है ओके ऑप्शन दैट इज ए क्रिप्टो करेंसी बी बिटकॉइन सी एन एफ टी एंडी डेफी ओके These all options are, are in front of you. I just request uh, you to please attempt the question in comment section, guys. I'm going to give the answer of this question. That C will be the answer. That is NFT. NFT ka full form of lick That is non-fungible. Non-fungible token. Non fungible token. ठीक है नॉन फंगेबल टोकन है ठीक है ये इसको वर्ड ऑफ द ईयर मिला है एज पर अकॉर्डिंग टू द कॉलिंग डिक्शनरी ने एक टर्म चूज किया दैट इज एन जिसको बहुत ज्यादा यूज बहुत ज्यादा यूज किया गया ग्यारह हज़ार परसेंट से भी ज्यादा इसको यूज किया गया है ठीक है एंड दिस इज द रिपोर्ट एज पर द कॉलिंग डिक्शनरी के हिसाब से इसको बताया जा रहा है देयर हैज़ बीन अ सर्जिंग इंटरेस्ट इन डिजिटल टोकन्स दैट कैन सेल फॉर मिलियन ऑफ डॉलर ठीक है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कुछ ऐसे टोकन है से जो सेल होते हैं ठीक है एंड कॉल इन डिफाइन इट एज अ यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड इन ब्लॉक चैन ठीक है इसको यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट्स के द्वारा रजिस्टर किया जाता है इन ब्लॉक चैन ओके सो एन एफ टी वर्ड है वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है एन एफ टी बोलिएगा मत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है सो सी विल बी आंसर दैट इज एन एफ टी नॉन फंगेबल टोकन Now let's move on to the next question. That is third question. Which state has passed Motor Vehicle Taxes and Amendment Bill 2021 to levy a grain tax on vehicle? Okay. ग्रीन टैक्स व्हीकल के ऊपर पास हुआ है किस स्टेट के द्वारा भी पास किया गया है मोटर व्हीकल के लिए एंड दिस इज द अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021 ठीक है अमेंडमेंट बिल है 2021 का ठीक है याद रखिएगा अभी आपको आंसर देना है कि किस स्टेट के द्वारा इस बिल को पास किया गया दैट इज ऑप्शन आर एज फॉलोज दैट इज ए तमिलनाडु बी आंध्र प्रदेश सी तेलंगाना एंड डी उड़ीसा ओके आई एम गोइंग टू गिव द आंसर आप अटीएम जरूर कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश से इस बिल को पास किया गया दैट इज मोटर व्हीकल टैक्स सेशन बिल 2021 को पास किया गया है और इसमें क्या है कि ग्रीन टैक्स विल बी इंपोज्ड ऑन व्हीकल व्हीकल के ऊपर क्या होगा ग्रीन टैक्स इंपोज किया जाएगा ठीक है ग्रीन टैक्स लगने वाली अभी किस पर व्हीकल पे आई एम द ग्रीन टैक्स विल सून बी इंपोज्ड ऑन ऑल व्हीकल्स जितने भी व्हीकल्स हैं दोस हु विल रन इन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश दे विल हैव टू गिव द ग्रीन टैक्स टू देम ओके एंड बारिंग मोटर व्हीकल एंड ऑटो रिक्शा मतलब जितने भी सारे व्हीकल है सबको देना है ये ग्रीन टैक्स इट्स कंपलसरी टू ऑल ऑफ यू ओके सो बी विल बी द आंसर आंध्र प्रदेश के द्वारा ये मोटर मोटर व्हीकल टैक्सेशन बिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन को पास किया गया है फॉर द ग्रीन टैक्स ऑन वेकल ओके सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ अनाउंसड मोर देन यूरोज वन पॉइंट टू बिलियन टू इंडियाज फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ठीक है किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है मोर देन वन पॉइंट टू बिलियन यूरोज का ठीक है यूरोस का आप देखिएगा कि ए, एक कंट्री है जो रिसेंटली अभी सामने आया है कि इंडिया को क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए उन्होंने उन्होंने क्या किया एक एड्स प्रोवाइड किया एड प्रोवाइड किया लोन नहीं है सॉफ्ट लोन नहीं है इसको आप एक एड के तौर पे लीजिएगा ठीक है 1.2 बिलियन यूरो का एड प्रोवाइड किया है किस कंट्री के द्वारा ये दिया गया है ठीक है ऑप्शन आर एज फॉलोज दैट इज़ ए फ्रांस बी जर्मनी सी इटली एंड डी यू ओके इसमें मुझे यूके की फुल फॉर्म तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके okay, आप सबको पता ही है क्योंकि यानी यूरो का भी फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे ओके सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज जर्मनी के द्वारा दैट इज़ मोर दैन वन पॉइंट टू बिलियन यूरोज प्रोवाइड किया गया है फॉर टू इंडिया ठीक है इंडिया को दिया गया है टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इसको प्रोवाइड कराया गया एज अज अ एड के तौर पे नॉट एज अ सॉफ्ट लोन सॉफ्ट लोन के तौर पे नहीं एज अ एड के तौर पे ठीक है जर्मनी रिसेंटली अनाउंस किया फॉर द कमिटमेंट ऑफ 1.2 बिलियन यूरोज का ठीक है अगर इसको आप रिसेंटली अगर कन्वर्ट कीजिएगा इंडियन रूपीज़ में ठीक है तो ये टेन करोड़ आ जाता है ठीक है इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा फॉर द किसके लिए कि इंडिया फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज से ताकि इंडिया फाइट कर सके एंड कऑपरेशन एंड क्लीन एनर्जी के लिए ठीक है कॉपरेशन एंड क्लीन एनर्जी के लिए टुफ इंडिया फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज इसके लिए उन्होंने ये कमिटमेंट किया एंड जर्मनी हैज़ अनाउंस इट टारगेट टू टूरिज क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2045 ठीक है और मैं आपको ये बता दूं कि जर्मनी ने जो अनाउंसमेंट किया है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जर्मनी कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा बाय 2045 फोर्टी फाइव एंड इमिशन रिडक्शन इन द एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बाई सेवेंटी एंड एटी फाइव परसेंट फिफ्टी एट टू नाइन्टी ठीक है 77 सेवन तक वो क्या कर देगी uh, emission का रिडक्शन कर देगी जो कि पहले कितनी थी 58 एट थी कम्पेयर टू 1990 नाइन्टी डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है ओके okay, सो so, uh, किस कंट्री ने प्रोवाइड किया दैट इज जर्मनी ने अभी कमिटमेंट किया है कि दे विल प्रोवाइड इट विल प्रोवाइड द लोन टू इंडिया नॉट एडस टू इंडिया फॉर फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज ओके सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया पता होना चाहिए था आपको कि किस कंट्री के द्वारा भी रिसेंटली एड्स दिया गया टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज फॉर इंडिया ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आर फिफ्थ क्वेश्चन वॉट इज द नेम ऑफ फर्स्ट पी 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 इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी टू इंश्योर अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ठीक है क्या है उस, न, उसका नाम क्या है जो पी पी लिया गया है किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आई किसके लिए टू इन्श्योर करेगा कि अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हुई हैं उसको अवेयरनेस कराने अवेयरनेस फैलाना और फॉर चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्डर जो भी चीफ एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनको क्या करेगी इन्फॉर्म करेगी लेकिन उस कमिटी का उस पी 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 का नेम क्या है ठीक है ऑप्शन सारा आया सॉलो दैट इज़ ए साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव ठीक है बी सुरक्षित भारत स्वच्छ सुरक्ष भारत सी सुरक्षित सी आई एस ओज एंड डी सेफ सेफेस्ट सी आई एस ओज ओके सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रॉम फ्रंट ऑफ यू ओके सी आई सी आई एस ओज का आपको पता ही होगा दैट इज़ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ओके okay, सो so इसमें आप सबको कंफ्यूज मत होइएगा ठीक है इतना लंबा कुछ क्वेश्चन नहीं है ठीक है इसमें नॉर्मल सा आंसर है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑल भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है ठीक है तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में ठीक है सो आ, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ अगर आपको पता है तो आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा नहीं पता है तो घबराने की को कोई बात नहीं है आप जानिए आंसर को ठीक है ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लिया गया बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई के द्वारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इनिशिएट किया गया दैट इज साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लिया गया था ठीक है और ये क्या है फर्स्ट पी पी इनिशिएटिव से फर्द किसके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कि लॉन्च कब की गई थी जनवरी लिख लीजिए लॉन्चिंग डेट बहुत ज़्यादा इंश्योर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसकी एम और ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मायने रखती है ठीक है कब लॉन्च हुआ था ये जनवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया था विद द एम्स टू इंश्योर अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं ऑनलाइन क्राइम्स हो रही हैं ठीक है ठीके? उन सारे को अवेयरनेस उन सारे को इंश्योर करने के लिए कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज ऑफिसर्स ओके आन दिस नेशनल ई गवर्नेंस गवर्नेस डिवीजन अंडर एम ए आई टी वाई एज़ कंडक्टिंग अ सिक्स डेज डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फ्रंट लाइन आई टी ऑफिशियल्स ठीक है जितने भी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज ऑफिसर्स को ये लिया गया है इसके अंदर में और जितने भी फ्रंट लाइन आई टी ऑफिशियल है सबको एक ये डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सिक्स डेज की ट्रेनिंग कराई जाएगी ठीक है रिलेटेड टू ऑल अबाउट द साइबर क्राइम्स के बारे में इनको बताया जाएगा ठीक है टू इंश्योर द अवेयरनेस ओके अवेयरनेस को फैलाने के लिए ओके सो ए विल बी द आंसर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ओके सो दिस दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आर सिक्स क्वेश्चन व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ठीक है पी को किसने अभी किस इंडियन स्टेट ने रिसेंटली टॉप किया है ठीक है ऑप्शन आर एज फॉलोज दैट इज ए तमिलनाडु बी केरला सी तेलंगाना एंड डी गुजरात ओके दिस ऑप्शन आर वेरी मच कंफ्यूजिंग कंफ्यूज मत होइएगा उसमें दो तीन हैं जो कंफ्यूज कर देंगे आपको जिस तमिलनाडु में कंफ्यूज केरला में कंफ्यूज हो जाएगा तेलंगाना में कंफ्यूज हो जाएगा ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा आप uh, अगर जानते हैं अच्छे से तो आप प्लीज़ आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ ठीक है केरला ने अभी रिसेंटली अवी पी ए आई की इंडेक्स आई थी दैट इज़ पब्लिक अफेयर इंडेक्स आई थी ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी वन की उसमें केरला ने क्या किया टॉप किया इन दिस इंडेक्स ठीक है दिस इज़ द बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक ठीक है ये क्या है बेंगलुरु बे, बेंगलुरु बेस्ड है जो नॉन प्रॉफिटेबल के लिए काम करता है और ये थिंक टैंक है जो कि रिलीज किया अभी क्या किसके द्वारा रिलीज हुआ इट्स रिलीज बाय बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक ठीक है बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक द्वारा इसको रिलीज़ किया गया पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो रिलीज़ करते हैं ठीक है ये रिलीज़ किया गया है बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक के द्वारा ठीक है और ये हर साल रिलीज होता है पहली बात मैं बता दूँ कि ये हर साल रिलीज होता है ठीक है और इन दिस ईयर पब्लिक अफेयर इंडेक्स मैं कौन कौन सी कंट्री स्टेट्स uh, जो है टॉप की है दैट इज़ केरला को फर्स्ट पोजीशन मिला तमिलनाडु को सेकंड और तेलंगाना को थर्ड इसलिए मैंने आपको बोला था कि तमिलनाडु केरला और तेलंगाना में कन्फ्यूज मत होइएगा तो ये सीरियल थी मतलब uh, तो कि सीरियल वाइज ऐसे था कि फर्स्ट पोजीशन केरला सेकंड तमिलनाडु एंड थर्ड तेलंगाना को ये इन्होंने टॉप किया इन दिस इंडेक्स एंड अमंग्स एटीन लार्ज स्टेट इन द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस ठीक है और भी अठारह ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अभी परफॉर्मेंस में हैं लेकिन वो उतना मायने नहीं देखता हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड ज़्यादातर देखा देखना होता है ठीक है और इस इंडेक्स के हिसाब से मैं बता दूँ कि दिस ऑल ओवर द स्टेट विच हैव स्कोर्ड सिक्योर्ड बाय द स्टेट इन द गवर्न गवर्नेस परफॉर्मेंस अक्रॉस द पिलर ऑफ इक्विटी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ठीक है इन दिस फील्ड इक्विटी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी की वजह से इन्होंने थोड़ा ज़्यादा मार्क्स अटेंड किया है इन दिस इंडेक्स ओके okay. सो so, ये क्या हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सो so, केरला ने क्या किया है इस इंडेक्स को टॉप किया है दैट इज़ पब्लिक अफेयर इंडेक्स को ट्वेंटी ट्वेंटी वन को किसने टॉप किया है केरला ने ओके सो दैट सेट फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एनालिसिस क्वेश्चन पेपर हम लोग क्वेश्चन अभी बस इतना ही आज के वीडियो में ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो थैंक यू एंड नाइस डे टाटा बाय बाय